तो भाई आखिरकार मिल ही गई अरमान मलिक को उसके कर्मों की सजा। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस तो नहीं दे पाया अरमान मलिक को उसे उसके कर्मों की सजा, पर यार ऊपर वाले ने जरूर दे दी उसे अपने कर्मों की सजा। तो भाई विशाल पांडे का काम है कि वे अरमान मलिक को रोटी बना कर दे और सभी मेंबर्स को खाना बना कर दे। तो यार अरमान मलिक को नहीं लगते हैं खाने में चावल अच्छे, तो यार विशाल पांडे से कहकर वे अपने लिए दो रोटी बनवा लेते हैं। तो भाई विशाल पांडे बना देते हैं उनके लिए दो कच्ची रोटी और वे रोटी उन्हें अरमान मलिक को देते हैं, पर अरमान मलिक मना कर देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा इन कच्ची रोटियों को। और भाई इसी बात को लेकर वहाँ पर हो जाती है बहस। तो यार अरमान मलिक नहीं खाते हैं विशाल पांडे के हाथ की रोटी और रोटी मनाने के लिए बोल देते हैं अपनी वाइफ कृतिका से। तो भाई कृतिका उनके लिए खाना मना तो देती है, पर यार वह रोटी गिर जाती है जमीन पर और यार वहाँ का फर्श बहुत ही गंदा होता है। तो भाई अरमान मलिक उन्हीं रोटियों को हटाकर खा लेते हैं और अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। तो भाई यही है ऊपर वाले का न्याय, इंसान उन्हें अपने कर्मों की सजा देने में चूक जाता है, लेकिन ऊपर वाला कभी नहीं चूकता उन्हें अपने कर्मों की सजा देने से। तो भाई आपको बिग बॉस OTT 3 में कौन सा मेंबर अच्छा लगता है, तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।